जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर आ रही है। इंदौर के पुलिसकर्मी के खिलाफ राजस्थान एसीबी में मुकदमा दर्ज हुआ। एसीबी ने विजयनगर पुलिस थाने के एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सुरेश चंद बुनकर ने मांगी थी परिवादी से 2 लाख की घूस। परिवादी को डरा धमकाकर और जमानत नहीं होने की धमकी देकर ये घूस मांगी गई थी। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीबी ने रिश्वत की डिमांड का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, देखने लायक रहेगा एसीबी आगे किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है, क्योंकि घूसखोरी से जुड़ा यह पूरा मामला है। इंदौर के पुलिसकर्मी के खिलाफ राजस्थान एसीबी में मुकदमा दर्ज किया गया है। जाहिर सी बात है, जो कि परिवादी है वो राजस्थान का रहने वाला और राजस्थान से जुड़ा हुआ, ऐसे में ये जो परिवाद है वो एसीबी में अब दर्ज कर लिया गया है। सुरेश चंद बुनकर, हालांकि अब जो ये आरोप लगाए गए हैं, मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी एसीबी के द्वारा, कौन कौन और इसमें शामिल हो सकता है, किन किन मौकों पर रिश्वत की डिमांड की गई थी, क्या अभी तक रिश्वत की राशि को स्वीकार भी किया गया था। हमारे साथ सहयोगी नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, इस मामले को लेकर जानकारी दीजिएगा, कब ये मामला संज्ञान में आया एसीबी की और अभी क्या कार्रवाई की जा रही है एसीबी की ओर से? उसे परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। इंदौर का एक पुलिसकर्मी है जिसका नाम सुरेश चंद बुनकर है, और उसने जो परिवादी था उसके भाई को से रिश्वत की डिमांड की गई थी, और उससे तकरीबन 3 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। 2 लाख रुपए में पूरा सौदा तय हुआ था। दरअसल परिवादी के रिश्तेदार को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, और जमानत नहीं होने की धमकी देकर इस पूरी घूस की डिमांड की जा रही थी। तो एसीबी ने इसका गोपनीय वेरिफिकेशन करवाया, और वेरिफिकेशन करवा कर जो, लेकिन इसी बीच जो आरोपी है जिसका नाम बुनकर है उसको शक हो गया, और शक होने के बाद उसने रिश्वत की राशि नहीं ली। तो उसके बाद एसीबी ने आज इस पूरे मामले के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि एसीबी की टीम ने जो इंदौर की जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको इस पूरे मामले में जानकारी दे दी है, और अब एसीबी की टीम जल्दी ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार करने के बाद उससे और पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर एसीबी की टीम जुटी हुई है, जो विजयनगर पड़ता है इंदौर ग्रामीण के अंदर थाना, उसके पुलिसकर्मी है सुरेश चंद बुनकर, उनके खिलाफ एसीबी ने ये रिश्वत की डिमांड का मुकदमा दर्ज किया है। और ये पूरी रिश्वत की डिमांड की राशि है वो ये लेने को तैयार हो गए थे, लेकिन अंत में उसे शक हुआ, और शक होने के बाद में जो आरोपी है सुरेश चंद बुनकर उसने रिश्वत की राशि नहीं ली। जी जी, चलिए नवीन, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी के। देखिए हमारे